हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ शाहिना रशीद, आई वेलकम यू ऑल टू अवर कैलिबर कॉमर्स सेक्शन। एंड चिल्ड्रन, एज वी हैव कम्प्लीटेड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल अलॉन्ग विद द थर्ड लाइन ऑल, सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ द बेसिक्स ऑफ द दैट इज द इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक्स हमने पढ़ा उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर वन में। अभी हम जानेंगे चिल्ड्रन कि इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेस हैं, जो जड़ है कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली किस तरीके से डिवीजन किया है और उसी डिवीजन के साथ पूरा का पूरा इकोनॉमी चलता है। तो ब्रांचेस में चिल्ड्रन, सबसे दो ब्रांचेस इकोनॉमिक्स के। तो पहला ब्रांच आता है चिल्ड्रन, हियर इकोनॉमिक्स is further categorized into two branches. One is microeconomics and microeconomics, aur dusra wala hai children macroeconomics. Okay, so ye do bade bade branches hai economics ke, isi wajah se hum itne dealing karte hai, is tarike se hamari economy chalti hai children. To micro ka matlab kya hota hai children? Micro matlab ki small, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट यानी कि टोटल। सो चिल्ड्रन, अगर हम डिटेल में जाए तो क्या लिखा है आप देख सकते हो यहाँ पर। इन 1933 सर रैग्नर फ्रिस्ट कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस टर्म्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोस। ग्रीक वर्ड माइक्रोज और मैक्रोस से ये बना है चिल्ड्रन। माइक्रो मतलब कि छोटा और मैक्रो मतलब कि बड़ा यानी कि टोटल, बड़ा मतलब कि मिला के, ठीक है। तो चिल्ड्रन पहला वाला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो मींस के छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड वर्कर फर्म इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चिल्ड्रन, वो किससे डील करता है? इंडिविजुअल पर्सन के बारे में। जैसे अगर ये भी एक घर है, एक घर में कितनी अर्निंग मेंबर है, सो इट डील विद पर्टिकुलर मेंबर अर्निंग मेंबर। चार अर्निंग मेंबर है तो वो चार मेंबर के साथ डील करेगा, ठीक है। उस तरीके से चिल्ड्रन चार मेंबर के अलग अलग एक एक के बारे में हम लोग डीलिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल वर्कर, इंडिविजुअल फर्म, तो एवरीथिंग इन स्मॉल। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलू चिल्ड्रन, तो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ माइक्रो, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। वॉट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप से बहुत ही डिटेल में देखते हैं, तो उसी का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। इट इज अ डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ऑलराइट चिल्ड्रन, तो ये हो गया बेसिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और फिर हम पढ़ते हैं मैक्रो के बारे में थोड़ा सा, और आगे वाले चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग इस बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल सिर्फ बेसिक्स हमें जानना है कि एग्जैक्टली माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो क्या लिखा है यहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कि इंडिविजुअल, एक एक। तो डेफिनेशन चिल्ड्रन बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको देखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड यानी एक एक घर, इंडिविजुअल प्राइसेस यानी एक एक चीजों की प्राइसेस में, वेजेस उनको इनकम, एक एक लोगों का इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी, एक एक चीज के बारे में। तो चिल्ड्रन यू कैन राइट कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। तो यू कैन, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आठ पॉइंट में टोटल डिवाइड है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ कौन से पॉइंट है। आज हम लोग कुछ पॉइंट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन हम लोग कुछ पॉइंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट कैटेगराइज है चिल्ड्रन, पहला है वॉन्ट्स। सेकेंड वाला जो पॉइंट है चिल्ड्रन, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है पूरा, उसमें आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, ये दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद में चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है, पहला वांट है, दूसरा वाला जो है चिल्ड्रन वो गुड्स एंड सर्विसेज है। उसके बाद में चिल्ड्रन यूटिलिटी आ जाता है, ये तीसरा पॉइंट है, यूटिलिटी है। फिर उसके बाद में वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से चिल्ड्रन ये फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट चिल्ड्रन आ जाता है, वेल्थ है ना। वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू,
वेल्थ, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है पर्सनल इनकम, यानी हर एक की पर्सनल कैटेगरी। जैसे मैंने क्या बोला, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, तो पर्सनल इनकम ये इसके स्कोप ऑफ, यानी कि आइडियली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है चिल्ड्रन, इंडिविजुअल के स्टडी, किसके बारे में, तो इंडिविजुअल के वांट्स क्या, इंडिविजुअल का गुड्स एंड सर्विसेज क्या, डिजायर है, यूज क्या है, वैल्यू क्या है उनकी चीजों की, वेल्थ क्या है उनका, पर्सनल इनकम क्या है चिल्ड्रन। और उसके बाद चिल्ड्रन आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या चिल्ड्रन, कि सब कुछ अगर लोन देना है या फिर रेंट देना है, वो सब देने के बाद कितना पैसा बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी पर्सनल के लिए क्या बचता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है चिल्ड्रन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चिल्ड्रन ये 8 पॉइंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा स्कोप है, ठीक है। ये 8 पॉइंट हम लोगों को टेक्स्ट बुक में पूरी डिटेल्स में दिया है, तो हम शुरुआत करेंगे किससे, हम शुरुआत करेंगे वांट से, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं चिल्ड्रन यहाँ पर आज, जो कि वांट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन वांट्स में क्या क्या दिया है, तो वांट्स में चिल्ड्रन, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड्स। तो वांट्स मतलब क्या, जो हमारी नीड है, हमारी विल नॉट कॉल वांट इज डिजायर, वांट मतलब कि हमारा एंड्स, हम लोगों की जरूरत को वांट्स बोलते हैं, जिसमें फूड, क्लोथ एंड शेल्टर आ जाता है। तो हम लोग वांट्स मतलब क्या, तो डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट, है ना। जैसे मुझे क्या चाहिए, तो बट ऑब्वियस मेरी, मैंने अगर एक चीज को डिमांड किया, वो मुझे मिला, तो मैं दूसरा डिमांड करूंगी, वो भी मुझे मिल गया तो मैं तीसरा डिमांड करूंगी, तो मेरा ये जो वांट्स है कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स, राइट। इन कॉमन लैंग्वेज चिल्ड्रन, वांट्स कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड, जरूरत है अपनी। इन इकोनॉमिक्स, वांट्स डिनोट एज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि देखो मैं वांट्स कब बोलूंगी, जब कोई चीज मुझे जरूरत, ऐसा अंदर से लग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं बोलेंगे आई वॉन्ट दिस, यानी मेरा ये वॉन्ट है। तो जब मेरी कोई चीज मुझे कमी, मुझे अगर अंदर से कुछ महसूस होता है कि समथिंग इज लैकिंग इन मी, सो आई विल से आई वॉन्ट दिस। अगेन इफ आई फील समथिंग इज लैकिंग इन मी, आई विल से आई वॉन्ट दिस। सो इन इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन, इट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट, राइट। यानी ये वो फीलिंग है कि मेरे को अब ये चीज की जरूरत है। तो इस तरीके से चिल्ड्रन हम लोग वॉन्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजन, हमारी जरूरतें बढ़ती ही जा रही चिल्ड्रन। जैसे अगर हम लोग मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पहले डब्बा वाला मोबाइल यूज करते थे, उसके बाद जब पता चला कि टच स्क्रीन है, टाइप करना नहीं पड़ता, मुंह से बोल दो, आजकल तो बस बोल दो, गूगल टाइप कर देता है। तो चिल्ड्रन हमारी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम लोग न्यू चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे आईफोन जो यूज करता है, जैसे जैसे आईफोन वर्जन 7, 8, 9, 10, तो जितने वर्जन आ रहे चिल्ड्रन, जो जो यूज करने वाला है, वो 7 हो गया तो 8 चाहिए, तो 9 हो गया, यूज हो गया तो 10 आ गया, तो 10 खरीदना है। तो इस तरीके की चिल्ड्रन हमारी क्या बन जाती है, वांट्स तो फुलफिल हो जाती है, पर वांट्स किस में कन्वर्ट हो रही है, डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इनोवेशन, तो वांट्स के साथ साथ हमारी डिजायर आ जाता है, डिजायर फॉर द बेटर लिविंग, डिजायर फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो चिल्ड्रन कैसा रहता है ना, कि हमारी वांट्स जब फुलफिल हो रही है, हमने कुछ चीजों का एक्सपेक्ट किया, उसके लिए हम लोग वो चीज को अप्रोच करने जाते हैं, जब वो चीजें फुलफिल करने के लिए हम नए नए आइडिया सोचते हैं। इस तरीके से चिल्ड्रन न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, पहले हम लोग पेजर यूज करते थे, पेजर में मैसेज टाइप करते थे, ये चला जाता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मोबाइल आया जिसमें मैसेज टाइप होने लगा, मोबाइल पोर्टेबल होने लगा, फिर उसके बाद में टच स्क्रीन वाली चीजें आ गई। तो चिल्ड्रन ये कैसे आई, क्योंकि हमारी डिजायर ने कहा कि इससे बेटर कुछ हो सकता है, इससे इनोवेशन हुआ टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन होने के बाद नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ, इंटरवेंशन हुआ, और आज हम लोग इतने ज्यादा इनोवेटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं। Alright children, तो यहाँ पर लिखा है कि human wants have grown in number because wants बढ़ते जाएगा तो desire बढ़ेगा, desire की वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि desire मतलब क्या, नए नए invention आ रहे हैं ना, wants बढ़ा तो नए नए ideas आ गए, technologies आ गई, तो उससे हमारा ये technology आने के बाद ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, इस तरीके से हमारा desire बढ़ गया। तो उसी के और सेकेंड पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, wants का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है rise in population।
पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है चिल्ड्रन, तो ये वॉन्ट्स वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। तो चिल्ड्रन हम लोग जब वॉन्ट्स को कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वॉन्ट्स के बारे में, तो देखो आप यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट चिल्ड्रन। सबसे पहला वॉन्ट्स जो है चिल्ड्रन, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, है ना, वॉन्ट्स हमारा अनलिमिटेड है, बट हमारा मीन्स क्या है, लिमिटेड है, सोर्स कम है ना हमारे पास। इतने बड़े पॉपुलेशन को हम लोगों को फुलफिल करना है, तो हमारे पास जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द सोर्सेज आर लिमिटेड, तो वॉन्ट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। इफ वन वॉन्ट्स गेट सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस, एक हो गया तो दूसरा हम चाहिए। बाइक का वॉन्ट्स खत्म हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी बाइक तो मिल गई अब कार चाहिए, है ना। तो चिल्ड्रन कैसा रहता है ना कि धीरे धीरे एक चीज सेटिस्फाई हो गए तो हम लोग की ख्वाहिश है, हम लोग की डिजायर बढ़ती जाती है, एक मेरा तो दूसरा चाहिए, दूसरा चीज मेरा तो तीसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर, दैट इज द रीजन वी कॉल दैट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। उसके बाद में चिल्ड्रन सेकंड पॉइंट आ जाता है, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या, सेवरल ह्यूमन वॉन्ट्स ऑकर अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या, जैसे अभी मैंने दोपहर में खाना खाया, अब मुझे रात को फिर से भूख लगेगी, बट ऑब्वियस इसका मतलब है कि मुझे रात को खाना खाने की ऑब्वियसली भूख लगेगी, तो यहाँ पर ये मेरा वॉन्ट्स अगेन रात को फिर से मुझे खाना खाना होगा। तो इस तरीके से वॉन्ट्स क्या है, अगेन एंड अगेन आते रहता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन्ट्स आर ऑकरिंग रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग यानी बार 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 जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की, तो दैट इज कॉल्ड इज वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, चिल्ड्रन वॉन्ट्स डिफर विद एजेस। जब एज की अगर बात करें, जैसे अगर आपकी बात करें तो आपके डिजायर क्या है, बीइंग एन कॉलेज स्टूडेंट का क्लास 11 के बच्चे, मोबाइल्स लेना है, बाइक लेना है ना, ये सारी डिजायर आपकी होती है। और अगर हम लोग एजेड पर्सन की बात करें तो उनकी डिजायर कुछ नहीं रहती, उनके वॉन्ट्स कुछ नहीं ज्यादा रहते, बस थोड़ा सा खाना खा लिया, सो गए, उतना ही उनका वॉन्ट्स होता है। तो चिल्ड्रन जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर मम्मी की बात करें, मम्मी के वॉन्ट्स अलग है, तो इस तरीके से चिल्ड्रन एज वाइज जो है वो हमारे वॉन्ट्स डिफर होते रहते हैं, क्योंकि एज वाइज क्या है कि हमारा डिजायर चेंज है, हमारा वांट जरूरतें बदल गई है, तो इसके लिए वांट्स भी बदलता जाता है चिल्ड्रन। उसके बाद आ जाता है वांट डिफर विद द जेंडर। अब जेंडर का मतलब क्या, बीइंग अ गर्ल, गर्ल की वांट्स अलग है, उनको हेयर स्टाइल करना है, उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस डालने हैं और उनको स्टाइल में जाना है, मेकअप करना है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ये वॉन्ट्स हो गए गर्ल्स के। अगर आप बॉयज की बात करो तो उनको जो है स्नीकर्स की, उनको स्नीकर्स का ये आएगा, उनको स्टाइलिश बैग आ जाएंगे या फिर उनके हेयर स्टाइल है, जेल्स है। तो इस तरीके से चिल्ड्रन जो वॉन्ट्स है डिफर विद द जेंडर एज वेल। मैन एंड वुमेन वॉन्ट्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसके बाद आ जाते चिल्ड्रन वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर आपकी बात आ जाती है टेस्ट और चॉइसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन लिखा है, इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम खाना खाने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर चार फ्रेंड खाना खाने गए तो कोई बोलेगा पिज्जा चाहिए, कोई बोलेगा बर्गर चाहिए, है ना, कोई बोलेगा मुझे फ्रैंकी चाहिए। तो चिल्ड्रन कैसा होता है कंसेप्ट कि डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, आपकी सबकी वॉन्ट्स अलग है ना, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंसेस, आपको क्या प्रिफर करता है, इस तरीके से चिल्ड्रन हम लोग वॉन्ट्स को डिफर कर सकते हैं चिल्ड्रन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, वॉन्ट्स डिफर विद द सीजन चिल्ड्रन। वॉन्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सीजन, जैसे कि अगर रेनी सीजन है तो हम लोग को अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है, अगर विंटर सीजन है तो हम लोग को ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है, मफलर की जरूरत पड़ती है, तो वॉन्ट डिफर विद सीजन चिल्ड्रन। सिमिलरली चिल्ड्रन वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू द कल्चर। कल्चर मतलब कि जैसे कि अगर हमारी कंट्री में इतने सारे, वी आर डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स है, जैसे होली होता है, दिवाली होता है, क्रिसमस होता है, ईद होता है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हम लोग के कल्चर के हिसाब से हमारी ज़रूरतें चेंज हो जाती है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर चिल्ड्रन, हमारा कपड़ा अलग है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग हैं, तो दैट इज़ द रीज़न वी से दैट वॉन्ट्स डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो इस तरीके से चिल्ड्रन हम लोग के पास वॉन्ट्स का कितना सारा पॉइंट्स, हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखा जिसमें हमने पढ़ा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, देन वॉन्ट्स आर डिफर विद द एजेस, wants differ with the gender and wants differ due to the preferences, wants differ with the season and wants differ due to the culture। इस तरीके से चिल्ड्रन ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है, दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स का जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, वॉन्ट्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। यानी कुछ कुछ को इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ कुछ को नहीं होती है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, वॉन्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स में सबसे पहला लिखा है कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स
इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स और नेसेसिटी कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। तो चलिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो कि क्लासीफाई मतलब क्या कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। इकोनॉमिक मतलब कि समथिंग विच इज हैव अ मॉनिटरी वैल्यू, जैसे अगर आप लोग सपोज एक बुक लेने जाना है तो डेफिनेटली आपको बुक का पैसा देना है, तो आपको बुक मिलेगी राइट। बिना पैसे के बुक तो देने वाला नहीं दुकानदार, करेक्ट। आप चेक भी दे दोगे तो बोलेगा जा भाई पैसे ले गया बुक के, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर है ना, कुछ चीजें इकोनॉमिक होती है, कुछ चीज नॉन इकोनॉमिक होती है, यानी कुछ चीज के पैसे लगते हैं, कुछ चीज के पैसे नहीं लगते। अब आप ही सोचो क्या चीज होगी जिसके हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। नेचर हमें फ्री दे रहा है, कितना भी है चाहिए हम लोगों को अनलिमिटेड मिल रहा है, वो भी बिना पैसे के। आजकल क्या चीज ऐसी है जो बिना पैसे के मिलती है चिल्ड्रन? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इकोनॉमिक बॉन्ड्स में हमारा क्या आ जाता है, वो चीज जिसको हम लोग को पैसे दे के पे करना होता है प्राइस, जैसे कि खाना, मेडिसिन, बुक्स मैंने अभी बोला, एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक्स में क्या आ जाता है चिल्ड्रन, जो ऐसी चीज जो बिना पैसे के मिलती है वो क्या है, विदाउट मॉनिटरी पेमेंट, दैट इज एयर, सनशाइन एक्सेट्रा, है ना। सूरज की रोशनी, सुबह उठो सूरज भर भर के मिलता है, विटामिन डी मिलता है भर भर के, हम लोग को फुकट में सब कुछ मिलता है, हम लोग को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से चिल्ड्रन इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड। उसके बाद में आ जाते चिल्ड्रन इंडिविजुअल बॉन्ड एंड कलेक्टिव बॉन्ड। इंडिविजुअल बॉन्ड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे I being a teacher, my need is to have pen, my need is to have a pencil, and suppose if it is a doctor, doctor का necessity क्या है children? Doctor की necessity है stethoscope, ठीक है? Stethoscope की necessity है children, तो doctor को stethoscope use करेगा, that is called as individual one, अपना। जैसे carpenter को उसके tools की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मैकेनिक को उसके टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो इंडिविजुअली वॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं चिल्ड्रन। उसके अलावा कलेक्टिव वॉन्ट्स मतलब कि ऐसा वॉन्ट्स जो कि सबको चाहिए, भले वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, तो एक ऐसा वॉन्ट चिल्ड्रन जो सबको चाहिए, जैसे कि ट्रेन में ट्रैवल करना। यहाँ पर आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, तो ट्रेन में तो हर कोई ट्रैवल करता है, और बाय फ्लाइट हर कोई ट्रैवल करता है ना, फ्लाइट से भी, तो ये कलेक्टिव वॉन्ट्स में आ जाता है। तो ये ऐसी जरूरत है जो सबको चाहिए। इंडिविजुअल मतलब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन यू कैन से। तो पर्सनल या इंडिविजुअल वॉन्ट्स अलग होते हैं चिल्ड्रन, जैसे डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, जज वेयरिंग अ कोट, एंड कलेक्टिव वॉन्ट एक ऐसा वॉन्ट है चिल्ड्रन जो कि पूरा ओवरऑल सेम है, जो कि सोशल वॉन्ट में आ जाता है। थर्ड पॉइंट जो चिल्ड्रन क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स में दिया है चिल्ड्रन, वो है नेसेसिटी कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। अब चिल्ड्रन आपको फोकस करना है कि नेसेसिटीज का मतलब क्या, जरूरतें, आपकी जरूरतें क्या है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर आपकी जरूरतें हैं। कंफर्ट मतलब क्या, वो चीज जो आपको थोड़ा सी राहत देती है, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि पहले मसाला पीसना होता था तो हम क्या करते थे, वी यूज द पिस्टल, मॉडर्न पिस्टल का इस्तेमाल करते थे जिससे मसाला पीसा जाता था, जैसे गांव में आपने देखा होगा। लेकिन धीरे धीरे अभी हम लोग मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं तो फटाफट मसाला पीस लेते हैं, फिर हम लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा राहत दे रही है, थोड़ा सा कम्फर्ट दे रही है। प्रेशर कुकर में खाना फटाफट बन जाता है, ये थोड़ा सा हमें कम्फर्ट जोन में लेके जा रही है। तीसरी चीज ये आ जाती है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं कंपनी नेसेसिटी की बात करूं तो बट ऑब्वियस फूड, क्लोथ एंड शेल्टर है, और यहाँ पर फोर्थ पार्ट है एजुकेशन। चिल्ड्रन भूलना नहीं है, बेसिक नेसेसिटी में जहां तक हमको याद है फूड, कपड़ा, रोटी, मकान, तो सबको ही पता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट एजुकेशन भी इस कैटेगरी में कंपलसरी किया गया है। तो कभी भी आपको वही पूछे व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज, आप क्या कहोगे, फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड एजुकेशन। ओके, भले वो पुअर हो या कोई भी हो, एवरीवन नीड एजुकेशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, याद रखना, बेसिक नेसेसिटी में आता है। कंफर्ट में जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान कर देता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया चिल्ड्रन। ओके, लग्जरी सोबत बहुत ही आरामदायक वाली चीजें, जो कि जैसे एसी हो गया, है ना, फैन भी काम दे रहा है, तो फैन हमारा कंफर्ट में आ जाता है, पर एसी क्या है, एसी जो है वो लग्जरी में आ जाता है। और वेल फर्निश्ड हाउस, जैसे कि हम लोगों का अभी चिमनीज लगाते हैं घर में, मॉड्यूलर किचन हो गया, ये क्या है, ये लग्जरी हो जाती है चिल्ड्रन। तो ये सारी चीजें जो है, इसको हम लोग कहते हैं द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द वॉन्ट। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा चिल्ड्रन, क्लासिफिकेशन पहला वाला हमने देखा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दूसरा वाला हमने देखा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वॉन्ट, है ना, और तीसरा वाला चिल्ड्रन नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। ओके, विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट स्कोप, दैट इज वॉन्ट। ओके, सो चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 7 पॉइंट विच इज रिमेनिंग, वी हैव टोटल 8 पॉइंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो गुड्स एंड लग्जरीज, वैल्यू, वेल्थ, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली चिल्ड्रन आपको समझ में आया ये चीज़ें, काइंडली गो थ्रू इट वंस अगेन एंड होपफुली यू अंडरस्टूड। डू कमेंट बिलो
what you understood, what you didn't understood, children. It will help us to become more, much better. Thank you so much, children, for watching.